हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने डॉक्टर नेहा मेहता बाल मनोविशेषज्ञ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपकी पर्सनालिटी, ड्रेसिंग सेंस, आप इस पर्सनालिटी को कैसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं, अगर आप मेरी वीडियो को अंत तक सुनेंगे और सुनने के बाद इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपको किसी भी तरह के पर्सनालिटी कोर्स में जाकर पैसे देकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुद की पर्सनालिटी अपने आप अट्रैक्टिव होती चली जाएगी। तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप बेटर से बेटर वीडियो को सुन सकें और अपनी साइकोलॉजी, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो आइए अब शुरू करते हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी देखिए सिर्फ ड्रेसिंग सेंस नहीं है। अगर आपको लगता है मैं मार्केट से जाके अच्छे कपड़े खरीद लूँगी, ब्रांडेड क्लोथ्स पहन लूँगी, स्टाइल या वेरिएशन कर लूँगी तो मेरी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो जाएगी, तो नहीं, ये सिर्फ आपका मिसकंसेप्शन है, आपका मिथ है। पर्सनालिटी सिर्फ आपकी ड्रेसिंग सेंस या आपकी अपेयरेंस नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब है आपकी वैल्यूज़, आपकी स्किल्स, आपका एटीट्यूड, आपकी एजुकेशन। कितनी बार ऐसे होता है कि कोई ऐसी पर्सनालिटी या ऐसा कोई पर्सन जिसका मे बी कॉम्प्लेक्शन डार्क हो या बहुत पतला हो या बहुत मोटा हो, फिर भी जब आप उनसे बात करने लगते हैं तो आप उनके व्यक्तित्व में खींचे चले जाते हैं। आपको जब पैसा नहीं भी खर्चना होता तो वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इतना ज़्यादा हाईली पर्सनालिटी होती है कि आप कहीं ना कहीं अपने पैसे देने के लिए या वो चीज़ खरीदने के लिए विवश हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इट्स नॉट ओनली अबाउट योर अपेयरेंस कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं और कैसे दिख रहे हैं। हाँ, ज़रूरी है, 75-60% शायद लोग आपको अपनी पर्सनालिटी से या आपके अपेयरेंस से जज करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनालिटी को बेटर करना चाहते हैं तो आपको समझना है कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो टिप नंबर 1, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी इज़ ड्रेस वेल। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदेंगे या बहुत ही बेटर शोरूम से कपड़े खरीदेंगे, ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी बनेगी। Wear the clothes according to the occasion. अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फॉर्मल क्लोथ्स डालने की कोशिश करें, अगर आप मैरिज पार्टी में जा रहे हैं तो थोड़े से चमकीले कपड़े डालने की कोशिश करें। ड्रेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सो दैट योर पर्सनालिटी इंप्रूव। ड्रेसिंग सेंस जितना क्लीन और हाइजीनिक होगा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्लीन एंड हाइजीनिक ड्रेसिंग सेंस एंड ग्रूमिंग इज इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 2, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहती हैं तो दूसरी चीज़ है अपनी वैल्यूज़ बढ़ाइए, अपनी एजुकेशन सिस्टम पे बिलीव रखिए। हो सकता है आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों जिनका मेंटल स्टेटस आपसे मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है उनको आपकी बातें समझ में नहीं आ पा रही हैं। दिस इज़ व्हाट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं लीग में चलूँ, मैं वही सब करूं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं है कि आपको गिनी चुनी लाइंस में फिट करने की ज़रूरत है। अपने कंफर्टेबल जोन से निकलिए, अपना स्टाइल खुद पोर्ट्रे करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं से भी कुछ भी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश करें अपने आप को अट्रैक्टिव रखें। तीसरी टिप, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को बेटर करना चाहते हैं तो एप्रिसिएशन करें। देखिए, मैं उससे सबसे ज़्यादा इंप्रेस होंगी जो मेरे बारे में बात करेगा, जो मुझे जेन्युइनली सुनने की कोशिश करेगा, मैं उससे उतनी जल्दी अट्रैक्ट होंगी। जो मेरी नीड्स के हिसाब से मुझे सामान बेचेगा, आई विल मच मोर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन। तो आप कोशिश करें दूसरे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड दिखें। जैसे ही आप दूसरे को सुनेंगे, दे विल बी मच मोर इन्फ्लुएंस, वो आपसे उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और आपकी पर्सनालिटी उतनी ही स्ट्रांग बनेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बाहर ना लिख लूं, मैं सोशल सर्कल ना बनाऊं, तो आप सीखेंगे कैसे? ये तो वही बात होगी कि मेरे को इंग्लिश सीखनी है और मैं इंग्लिश बोल ही नहीं रही हूं। तो कोशिश करें कि बाहर निकलें, लोगों से इंटरैक्ट करें। हो सकता है किसी दिन आपकी 100 रहे, 50 रहे, 75 रहे, लेकिन धीरे 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 आपकी पर्सनैलिटी अपने आप निखरती चली जाएगी। तो सोशल इंटरैक्शन को इंप्रूव करेंगे ताकि आपकी पर्सनैलिटी और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। 4,
टिप, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को बेटर करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम से गिव अप ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गिव अप कर दूं, मैं वो जगह ही छोड़ दूं, मैं विड्रॉ कर दूं, तो आपकी पर्सनालिटी खुद बेटर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप एस्केप लगा रहे हैं, आप उस चीज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करें गिव अप ना करें। अगर खरगोश और कछुए के रेस में कछुआ गिव अप कर देता कि मैं तो जीत ही नहीं सकता, तो शायद उसकी पर्सनालिटी इतना निखर के नहीं आती है। चलते रहिए, मूव ऑन करते रहिए, धीरे 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 विद द टाइम यू विल एबल टू डेवलप योरसेल्फ एज अ पर्सन। तो अपनी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं आज में मत जज करें कि आज मैं कैसी हूँ, पता नहीं मैं बेटर हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। मूव ऑन करते रहिए, चलते रहिए, गिव अप नहीं करना है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज डोंट बी हार्श टू योरसेल्फ। अगर आप अपने आप पे हार्श रहेंगी, लोगों के क्रिटिसिज्म को ज़्यादा सुनने लगेंगी या ये सोचेंगी कि सोसाइटी मेरे बारे में क्या कहती है, मैं शायद अच्छी नहीं लगती, खुद पे हार्श होना छोड़ें। खुद को फ्री फ्लोइंग चलने दें, अपना स्टाइल स्टेटमेंट खुद क्रिएट करें। आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं, आपकी जैसी पर्सनैलिटी है लोग उससे बहुत अट्रैक्टेड हैं। पर्सनैलिटी के घड़े को भरें, उसमें से चीज़ें निकालने की कोशिश ना करें कि ये तो काम ही नहीं करेगा। जो आपका जो भी स्किल्स है उसको धीरे 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 इम्प्रूव करें, जानें आपके अंदर क्या अच्छी बातें हैं, क्या और अच्छी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकती हैं ताकि आपकी पर्सनालिटी एक बेटर डायरेक्शन में जाए, इसके बजाय खुद को धीरे धीरे क्रिटिसाइज करने के। तो आई होप जो टिप्स मैंने दी हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। इसको प्लीज़ सुने नहीं, इम्प्लीमेंट भी करें, फॉलो भी करें, आपकी पर्सनालिटी अपने आप निखर के बाहर आने लगेगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप रखना चाहेंगे और आपका सोशल सर्कल भी धीरे धीरे अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम और बेहतर तरीके से मिल सकें, बातें कर सकें, आपकी पर्सनालिटी और व्यक्तित्व को सुधारने के मैं और बहुत सारे टिप्स आप लोगों से शेयर कर सकूं। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे फेसबुक पेज से, मेरी वेबसाइट से भी कनेक्टेड रह सकते हैं ताकि आप मुझसे मिल सकें, आपकी जो भी पर्सनल बातें हैं आप उसे शेयर करके अपने सॉल्यूशन ले सकें। तब तक के लिए वेट करें, हम दोबारा मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहें ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल सके।